मोहल्ला शाह चंदन स्थित विवादित भूखंड पर लगाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बाद मंगलवार को पुलिस द्वारा 4 दर्जन लोगों को नोटिस दिए गए हैं। नगर के मोहल्ला शाह चंदन स्थित भूखंड, जिसे मोहल्ले के रहने वाले प्रेम पुजारी अपना बताते हैं। इतना ही नहीं, वह न्यायालय में भूखंड को लेकर चले मुकदमे में भी जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। इस भूखंड पर 8 जून की रात्रि एक समाज के लोगों ने बिना अनुमति के जबरदस्ती दा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। प्रेम पुजारी द्वारा प्रतिमा लगाने वालों के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, पुलिस 2 आरोपितों को इस मामले में गिरफ्तार कर उनका चालान भी कर चुकी है। भूखंड को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोग प्रतिमा हटाने की मांग को लेकर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप कर चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आ गया है। भूखंड पर लगी प्रतिमा को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा जारी किए गए 4 दर्जन लोगों के खिलाफ नोटिस पुलिस कर्मियों ने विवादित स्थल के पास तथा आरोपितों के घरों के बाहर चस्पा कर दिए। नोटिस में आरोपियों द्वारा 19 जून तक मूर्ति न हटाए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। नोटिस चस्पा होने के बाद से मूर्ति लगाने वालों में हड़कंप मचा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश बैसला ने बिना अनुमति अवैध रूप से लगाई गई मूर्ति को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है। मंगलवार की दोपहर बाद तहसीलदार प्रभा सिंह व नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारी जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली लेकर सफाई करने के लिए विवादित स्थल पर पहुंचे तो उन्हें देखकर प्रतिमा लगाने वालों में हड़कंप मच गया। लगभग 1 घंटे तक रही पालिका कर्मचारियों की टीम ने भूखंड पर पड़े पत्थर व ईंट के रोड़े इकट्ठा कर उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वहां से दूर ले जाकर डाल लिया। जितनी देर वहां पर पालिका कर्मचारी रहे, प्रतिमा लगाने वालों में हड़कंप मचा रहा।